गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए क्लास है आपका सेवन और हम पढ़ेंगे आज मैथ। मैथ में क्या पढ़ना है हमें? अभ्यास 15.1। देखिए इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें हमने प्रश्न नंबर आपका जो 9 था वो हो गया था। एक आयताकार बगीचे की चौड़ाई लंबाई से 6 मीटर कम, यदि लंबाई 30 मीटर हो तो बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न हम लगा चुके थे। अगला है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, हमने 9 प्रश्न लगा लिया था, अब है 15.1 का हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 नहीं दिख रहा है, हम फिर से लिख देते हैं। देखिए प्रश्न, देखिए सभी लोग, पूजा ने 2.5 मीटर लंबी तथा 1.75 मीटर चौड़ी चादर खरीदी। पूजा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसने क्या खरीदा, एक चादर खरीदा और उसका लंबाई दिया है 2.5 मीटर, चौड़ाई दिया है 1.75 मीटर। वह इसके चारों ओर झालर लगाना चाहती है, क्या लगाना चाहती है, झालर। तो कितने मीटर झालर खरीदनी होगी, अब बताइए कि कितना मीटर झालर उसे लगेगा उसके चारों तरफ लगाने में। और यदि 1 मीटर झालर की कीमत 14.50 रुपये है तो झालर लगवाने का कुल खर्च कितना होगा। अब करा 1 मीटर झालर लगवाने का खर्च दिया है 14.50 रुपये, तो पूरे चादर में जब झालर लगेगा तो कितना खर्च आएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो पहले हम चादर का परिमाप निकाल लेते हैं कि झालर लगाना कितने जगह में है, उतना ही मीटर लगेगा हमें झालर। तो देखिए क्या दिया है, पहले उसे लिखिए, दिया है झालर की लंबाई और चादर की लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो हम उसे लिख लेते हैं। तो चादर की लंबाई, चादर की लंबाई बराबर दिया है आपको 2.5 मीटर, ये है चादर की लंबाई। अब है चादर की चौड़ाई, चादर की चौड़ाई कितना दिया है, चादर की चौड़ाई, चौड़ाई दिया है आपको 1.75 मीटर। तो क्या निकालना है, हमें चादर का परिमाप निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, चादर का परिमाप बराबर, हम पहले क्या निकालेंगे, चादर का परिमाप निकालेंगे, तो जाएगा हमारा चादर का परिमाप बराबर de
यदि परिमाप है आपका 8 मीटर तो झालर भी 8 मीटर लगेगा, तो 1 मीटर झालर की कीमत कितना है? 14 रुपये 50 पैसे। देखिए मीटर लिखते हैं, दिख रहा है यहाँ लिखिए, देखिए 1 मीटर झालर की, 1 मीटर झालर की कीमत क्या है? 14 रुपये 50 पैसे। झालर की कीमत बराबर 14 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 14 रुपये 50 पैसे दिया हुआ है आपको। अब तो जितना झालर लगेगा, परिमाप 8 आ गया तो 8 मीटर झालर लगेगा, तो क्या आ जाएगा? 8 मीटर झालर की कीमत
गया होगा, मिटा रहे हैं, देखिए। देखिए क्या है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, एक आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें आयत की लंबाई ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये पता चल गया कि आयत की लंबाई निकालना है। ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप दिया है 800 मीटर। अभी तक लंबाई और चौड़ाई दिया रहता था, हम परिमाप निकालते थे, लेकिन यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है और कह रहा है कि आयत का परिमाप दिया है 800 मीटर और चौड़ाई दिया है 88 मीटर। मतलब कि आपको परिमाप और चौड़ाई दिया है, क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो आयत का परिमाप दिया है हमें, आयत का परिमाप बराबर दिया है 800 मीटर, 800 मीटर। आयत की चौड़ाई दिया है, आयत की चौड़ाई दिया है 88 मीटर। अब लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो
मिलाइए देखिए। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये 312 मीटर है। अब एक बार फिर से समझिए, देखिए क्या कह रहा है कि आयत का परिमाप में दिया हुआ है 800 मीटर। प्रश्न में ही आपको दिया हुआ, पहले से वो कहा है कि लंबाई क्या है, चाहे तो आप माना आयत की लंबाई पहले भी लिख सकते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर एक्स मीटर, क्योंकि यही हमें निकालना है, तो आप पहले भी मान सकते हैं। लेकिन हमने जो दिया पहले वो लिख दिया कि आयत का परिमाप दिया है हमें 800 मीटर, आयत की चौड़ाई दिया है हमें 88 मीटर, और हमें आयत का लंबाई निकालना है, तो हमने माना आयत की लंबाई बराबर एक्स मीटर। मान लिया हमने आयत की लंबाई बराबर एक्स मीटर, तो आयत का परिमाप बराबर दो क्वेश्चन में लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, और परिमाप की जगह क्या हो गया 800, परिमाप हमें 800 दिया हुआ है, 800 लिखते हैं। अब बराबर दो आपने दिया हुआ है, और ये हो गया एक्स प्लस 88। एक्स क्या है, लंबाई है, एक्स प्लस आपका एक्स प्लस कैसे हुआ देख लीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो लंबाई आपने कितना माना है, एक्स माना है, तो एक्स यहाँ पर रखेंगे, और चौड़ाई हमारा है 88, तो एक्स प्लस 88 हो गया। अब देखिए ये दूरी ना हुआ है, क्योंकि चर राशि और एक अचर राशि है, तो क्या हो जाएगा इसे हम गुणा कर देंगे, तो इन दोनों में गुणा होगा दो, तो दो और एक्स का गुणा होगा दो एक्स, और दो का जब 88 गुणा होगा तो 176। अब 176 को बराबर किस तरह हम आते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस और घट जाएगा, ये घटेगा तो जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, इधर घटेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, और इधर घटेगा आपका 7, 7 में से घट जाएगा 6, 624 बराबर 2x हुआ इधर। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 और x के बीच में गुणा है, क्या है गुणा है, जब ये गुणा घटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 624 बटे 2, और इधर हो जाएगा भाग, देखिए आपका 624 बटे 2 का तो 2 3 6 देखो 2 और 2 गुणा 4 312 मीटर आगे आपका लंबाई 312 मीटर। लगाइए जल्दी से, हो गया देखिए मिटा रहे हैं, आगे देखिए दोनों मानेंगे। फिर से देखिए कह रहा है कि जो आयत की
लंबाई चौड़ाई की चार गुनी है। लंबाई चौड़ाई की चार गुनी है, लेकिन चौड़ाई कितना है ये पता है? नहीं पता है। तो हम चौड़ाई जो भी मानेंगे उसका चार गुना हो जाएगा लंबाई। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। चलिए ये यहाँ से हम इधर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं।
ठीक है, यहाँ से लिखेगा तो देखिए x बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया, तो x हमने मान लिया क्या चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर हो गया हमारा, चौड़ाई बराबर हो गया 96 सेंटीमीटर, तो लंबाई बराबर, लंबाई बराबर कितना हो गया 4x, 4x हो गया, तो 4 गुणे अब x का मान कितना आया हमारा 96, चार का गुणा कर दीजिए, 4 6 24, 2 4 9 36, 36 2 38, 384 क्या सेंटीमीटर, 384 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई आ गया आपका 384 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गया आपका 96 सेंटीमीटर, देख लीजिए आया है, ठीक है आया है। एक बार हम फिर समझा रहे हैं, एक बार फिर से समझिए इसे, देखिए क्या कर रहा है, माना आयत की लंबाई हमने यहाँ पे x माना, क्यों माना है x, क्योंकि प्रश्न जो है कह रहा है कि जो आयत की आपकी लंबाई है चौड़ाई से 4 गुनी है, जो आयत की लंबाई है जो चौड़ाई है उसकी 4 गुनी है, तो चौड़ाई कितना है ये हमें नहीं पता है, तो हमने पहले मान लिया कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x, क्योंकि जितना भी हम चौड़ाई मानेंगे उसका 4 गुना होगा लंबाई, तो आयत की लंबाई बराबर 4x, 4 गुना होगा 4x, तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा दिया है 960 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप हो जाएगा 960 सेंटीमीटर दिया है, तो आयत का परिमाप बराबर 2 क्वेश्चन में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप दिया है तो परिमाप लिख देंगे 960 बराबर 2, लंबाई हो गया 4x और चौड़ाई हो गया हमारा x, अब देखिए 4x में 1x और जोड़े तो हो जाएगा ये 5x, क्या हो गया आपका 960 बराबर 2 गुणे 5x, गुणा कर देंगे 10x, तो 960 बराबर 10x, तो x बराबर 960 बटे 10, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर। अब देखिए जो x आया वो है क्या हमारा, x जो है क्या है चौड़ाई है, चौड़ाई हमने x माना, तो चौड़ाई बराबर हो गया आपका 96 सेंटीमीटर, लंबाई, लंबाई हमने कितना माना था 4x, तो x का मान रख दीजिए इसको 4 गुणे 96 गुणा कर दीजिए आ जाएगा 384 सेंटीमीटर, लगा लीजिए सभी लोग। हो गया मिटा दे, आगे देखिए अभी हमारा प्रश्न नंबर 11 खत्म हो गया, अब आगे कराएंगे प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, कोई पार्क है जिसका आकृति कैसा है आपका त्रिभुज के आकार का है, जिसकी भुजाएं 60 मीटर 40 मीटर और 30 मीटर, अब त्रिभुज है तो तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है आपका त्रिभुज, तो तीन भुजाओं का मान दिया है 60 मीटर 40 मीटर और 20 मीटर लंबी है, तो पार्क के चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर लोहे की तार की आवश्यकता होगी, अब बाहर से चारों तरफ घेरना है तो हम पार्क का परिमाप निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मीटर तार लगेगा, तो देखिए माप हमें दिया है भुजाएं दी हुई है, भुजाएं दी हुई है 60 मीटर, फिर दिया है 40 मीटर, फिर दिया है 20 मीटर, ठीक है ये भुजाएं दी हुई है, क्या हो जाएगा त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप, त्रिभुज के आकार का है तो त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर, प्रयास कीजिए अपने से, जोड़ दीजिए 20 बटा क्या आ जाएगा
होगी, 120 मीटर पार की आवश्यकता होगी। देख लीजिए आया है 120 मीटर, ठीक है। फिर से देख लीजिए जो त्रिभुज का पार है उसके ऊपर 60 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर दिया हुआ है। हो गया सबका, अब यहीं पे आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब 15.1 जो था यहीं पे खत्म हो गया है, परिमाप और क्षेत्रफल। आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे देखिए वृत्त पढ़ना है हमें, आगे हमें वृत्त पढ़ना है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप इसको थोड़ा अपने से लगाइएगा और नोट्स भी इसका बना लीजिएगा, इसको एक बार दो बार रफ पर खुद से भी लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बाय बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए।